गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है भाई, गर्मी का मौसम आ चुका है। इस गर्मी के मौसम में फोन गर्म होना जाहिर सी बात है यार। लेकिन हमको एक बात बताए, अगर भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन जरूर होगा 100%। लेकिन कभी कभी देखिए टाइम लग जाता है सलूशन ढूंढने में। जैसे इस वक्त देश के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स वैक्सीन के पीछे पड़े हुए हैं, वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग फोन हीटिंग के सलूशन के पीछे पड़े हुए हैं कि जैसे तैसे यार मिल जाए बस। देखिए दोस्तों, फोन हीटिंग का तो सलूशन आपको मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज यार आपसे मैं कहना चाहूंगा, प्लीज इस दुनिया के लिए प्रे कीजिए इस वक्त, ताकि जितनी भी जाने जा रही है इनोसेंट लोगों की, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वो सुरक्षित हो सके। कहते हैं दुआओं में दवा से ज्यादा असर होता है, तो प्लीज दिल से दुआ कीजिए। और आपसे ये भी कहना चाहूंगा, प्लीज यार अपने घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन इमरजेंसी में भी अगर आप निकलते हैं तो प्लीज़ मास्क वगैरह पहन के निकलें, सैनिटाइजर लेकर निकलें, और किसी भी चीज़ को छूने से बचें, क्योंकि बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात आपके पूरे परिवार की है, सोसाइटी की है, इस देश की है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों फोन हीटिंग की। तो देखिए, मैं आपको फोन हीटिंग का सलूशन तो दूंगा ही, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि हीटिंग होती क्यों है, तो सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। बेसिकली दोस्तों, क्या होता है कि आपके फोन की बैटरी गर्म होती है, या GPU यानी कि प्रोसेसर जो होता है वो गर्म हो जाता है। जरूरी नहीं है कि एक चीज ही गर्म हो, दोनों चीज भी दोस्तों साथ में गर्म हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं भाई इसके सलूशन के बारे में। दोस्तों, चार्जिंग से भी फोन गर्म होता है। अगर आपके फोन की बैटरी लो है और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है आप भाई चार्जिंग करते करते गेम खेल लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, हमारा पहला सलूशन है फोन का कवर यूज ना करना, क्योंकि कवर क्या होता है, फोन की हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, और फोन कवर की वजह से फोन और हीट होता है। दूसरा सलूशन ये है कि जब भी दोस्तों आपका फोन चार्ज हो रहा हो ना, तो प्लीज उस टाइम गेम वगैरह ना खेलें और ना ही उसको यूज करें, उसे उस वक्त चार्ज होने दें। और एक बहुत बढ़िया आप चीज कर सकते हैं, जब भी आप फोन चार्ज कर रहे हो तो अपने फोन को फ्लाइट मोड में आप डाल दीजिए, या फिर फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए अगर आपको अर्जेंट कॉल्स नहीं आते हैं या आपका ऐसा कुछ खास काम नहीं है। इससे ये होता है कि जो आपका फोन का टेम्परेचर होता है वो ठंडा रहता है। दोस्तों, तीसरा सलूशन भी है, फोन को फ्रिज में रखना। जी हाँ, अब सुन लो, अभी इस वीडियो को छोड़ के मत चले आना फोन को रखने फ्रिज में। देखो, मैं मेरा यार पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पिछले एक साल से ये मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, और मेरे लिए फ्रिज का जो मेथड है बहुत काम करता है, बहुत वर्थ है इसकी। मैंने खुद ऐसा किया है भाई, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप जब करो तो अपनी गारंटी में करना, मेरे ऊपर ढीकरा मत फोड़ देना। और सुनिए, ऐसी नहीं कि आपने फोन लिया फ्रिज में रख दिया, नहीं ऐसे नहीं रखना है। अगर ये गलती आपने कर दी तो मेरी जान, आप फोन से हाथ धो बैठोगे, अभी बता रहा हूँ। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, फोन आपको फ्रिज के अंदर ठीक वैसे ही रखना है। तो जरा कानों को खोलकर गौर से सुनिएगा मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोन को पेपर में अच्छे से रोल करना है, ओके, ताकि फोन के अंदर पानी की एक भी बूंद ना जाए। अब फोन को आप रख दीजिए मिडिल शेल्फ में 10 मिनट तक। और याद रखना, 10 मिनट के लिए छोड़ना, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया और आप ऐसे खर्राटे लेके सोने लग जाओ। 2 मिनट बाद फोन को चेक करना, अगर टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो रहा है तो एक काम करना, फोन को निकाल लेना, ठीक है। देखिए, ये बेस्ट मेथड है और मेरे पर्सनल मेथड्स में से एक है। दोस्तों, चौथा सलूशन भी है, वो ये है कि भाई आपके बैकग्राउंड रनिंग एप्स। जी हाँ, अगर आपके बैकग्राउंड में एप्स रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो आपका प्रोसेसर है वो हीट होने लगेगा। इसलिए बैकग्राउंड में जो भी रनिंग ऐप है उसको हटा दो, वो किसी काम के नहीं है आपके। अगर आप मेरी माने तो दोस्तों, सबसे पहले फेसबुक मैसेंजर और ऐसे जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं उनको आप इंस्टॉल कर दो। फेसबुक की जगह फेसबुक लाइट और मैसेंजर की जरूरत तो आपको नहीं पड़ने वाली है अगर आपके पास फेसबुक लाइट होगा। अब एप्लीकेशन सेटिंग में यहाँ पे आइए और यहाँ पर बैकग्राउंड रनिंग से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, ओके। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक लाइट, ऐसे जितने भी एप्लीकेशन हैं जो बैकग्राउंड में रन करते हैं, उन सभी एप्लीकेशन सेटिंग में जाकर बैकग्राउंड रनिंग से ऑफ कर दो या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दो, ओके। तो दोस्तों, ये थे कुछ सॉल्यूशंस। और आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप PUBG मोबाइल खेलना चाहते हो तो गेम से पहले अपने फ़ोन को फ्रिज में रख देना, कम से कम 10 मिनट तक, और जब तक ठंडा ना हो जाए ना तब तक मत निकालना। और एकदम अच्छे से उसका टेम्परेचर जब ठंडा हो जाए तो फोन को बाहर निकालना, और एक दो गेम खेलने के बाद जब फोन फिर से गर्म हो जाए तो फिर से उसको फ्रिज में रख देना। लेकिन एक बात को याद रखना, ज्यादा देर तक भाई फोन मत रख देना अपना। अगर आप ज्यादा देर तक रखेंगे तो बॉस फोन खराब हो सकता है, और आपको तो पता ही है यार, लॉकडाउन चल रहा है, यानी अगर फोन खराब हुआ तो आप नया फोन भी नहीं ले पाओगे और ना ही उसको सही करा पाओगे। इसलिए ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना बाहर आप जाओगे ठीक ठाक से और बाहर से सूजी हुई लेके आओगे, पुलिस वाले अंकल डंडा लेके स्वागत कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया 10 मिनट तक रखो, लेकिन 2 मिनट के बाद फोन को चेक कर लो। अगर 10 मिनट से पहले ही फोन आपका ठंडा हो जाता है तो पहले ही आप फोन को निकाल लो। मेरी बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई ने कहा था 10 मिनट तो 10 मिनट रहेगा। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही यार।
तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस जिससे आपका फोन हीटिंग होने से बचेगा, वो ठंडा होगा। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो समझ में ना आई हो तो एक छोटा सा ही तो काम करना है, फोन आपके हाथ में, वीडियो को फिर से देख लेना दो बार तीन बार चार बार जितनी बार आपको मन करे, क्योंकि आपको तो पता ही है भैया अधूरा ज्ञान जो होता है वो आपकी सेहत के लिए और आपके फोन की लाइफ के लिए पूरी तरह से हानिकारक है और घातक है। बापू को तो यूं ही बदनाम कर रखा है कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। फिलहाल चलो यार बहुत बातें बातें हो गई, नींद आ रही है, अब चल के सोते हैं। आप भी टाइम से सो जाना, अच्छे अच्छे सपने देखना, और सोने से पहले एक काम कर देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना प्लीज। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, बाहर मत जाना।